Hey guys and welcome back to the Pokemon Sun version, जहाँ पे कैसे पिछली बार हम लोगों ने कह सकते हो कि फाइनली जो थ्रेट था ल्यूजिमिन का उसको न्यूट्रलाइज कर दिया है। हम लोगों के साथ बैटल भी किया, हम वी सॉ द इवोल्यूशन ऑफ द कॉस्मोक इन टू द सोल गैलियो। वेट, यहाँ पे कौन आ रहा है? ओ ग्लेडियन, ग्लेडियन क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। टू थैंक यू जो तुमने लिली के लिए किया, हमारी मॉम के लिए किया, मैं सच में अप्रिशिएट करता हूँ। आई मिस आई हो ये तुम्हें थैंक्स ऑफर करने के लिए मैं बस एक ही चीज़ कर सकता हूँ, मैं तुम्हें एक बैटल ऑफर कर सकता हूँ, वो भी मेरी फुल पावर का यूज़ करके, मेरी जीरिंग का जो उस ओल्ड मैन ने मुझे दी है। ऑल राइट, सो हियर वी गो गाइस, ध्रुदीयमा वर्सेस द पोकेमॉन ट्रेनर ग्लेडियन। तो उसने शुरुआत करी है विद हिज गोल्ड बैट। ऑल राइट, तो पीका आ चुका है यहाँ पे, पीका के साथ हम लोग शुरुआत करने जाने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर अभी मैं जो हूँ, ओके क्रॉस पॉइजन, ये अच्छा खासा हिट जरूर देगा। सो यार आप लोग सोच रहे हो कि पीका के पास तो स्पीड एजिलिटी है, तो बेसिकली गाइस यार Crobat is a flying type Pokemon but also the poison type Pokemon but also the flying type Pokemon. तो उसके पास जो है वो हमेशा एक flying type Pokemon के पास हमेशा एक advantages रहता है कि वो जो है वो कह सकते हो कि guys यार basically first hit दे सके। alright, so देखते हैं guys यार, यहाँ पर अभी उसका second Pokemon है यहाँ पे Silvery। ओके, तो इसके खिलाफ जो है यहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं फ्लेम थ्रोअर के साथ। तो फ्लेम थ्रोअर का जो है वो यहाँ पर अभी मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। सिल वैली की जो है वो यहाँ पर, सिल वैली जो है वो कह सकते हो कि एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है। तो नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है क्या? मुझे लगा था कि एक स्टील टाइप पोकेमॉन है। आई गेस आई जस्ट मुझे मैंने जस्ट गूगल देखा था तभी जो है वो मुझे पता चला। बेटे पास कोई भी एक फाइनल टाइप पोकेमॉन नहीं है, सो हम लोगों को जो है वो इसी पोकेमॉन के साथ जाना होगा। ऑल राइट, तो उसने जो है यहाँ पे हमारे पायरो को जो है वो डिफीट कर दिया है। ऑल दो सो ग्रीनिंजा यू आर इन द नेक्स्ट चार्ज। तो ग्रीनिंजा को वैसे मैंने यहाँ पे निकनेम चेंज नहीं किया, मैंने उसका ऐसे ही रखा था क्योंकि एक हमें लोगों को एक एज अ गिफ्ट ऑब्टेन हुआ था, तो मैंने सोचा नहीं कि इसका मैं जो हूँ यहाँ पर कोई नाम चेंज वगैरह करूँ। ओके, एक्स सीजर अच्छी खासी मूव थी ये। तो हम लोग जो है वो एरियल इसके साथ एक और बार में जाने वाला हूँ, लेट्स सी। ओके, तो इतना ज़्यादा डैमेज हुआ नहीं उस पर, बट कोई बात नहीं, एक्सीजर ने जो है यहाँ पे इसने हमारे ग्रीनिंजा वो भी यहाँ पर अभी डाउन कर दिया है। तो लेट्स सी यार, यहाँ पर अभी हम लोग जो है वो एक्स को यहाँ पर भी लेकर आ जाता हूँ। एक्स यार कह सकते हो ना हमारे लिए एक ट्रम्प कार्ड की तरह है, मतलब कि यार जब भी हम लोगों को ज़्यादा जो है वो यहाँ पर कह सकते हो कि प्रॉब्लम आ गई ना, तो वी कैन यूज कह सकते हो कि हम लोग एक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड वो जो है वो सक्सेसफुली हमें जीत दिला सकता है एज यू सी इट। एंड उसकी एच पी भी जो है वो यहाँ पर अच्छी खासी है, 190 है, तो हम लोग इतना ज़्यादा जो है वो डर लगता नहीं है। एंड कल के एपिसोड में प्रोबेबली जो है वो यहाँ पे मैं कुछ नए मूव्स भी सिखाने वाला हूँ हमारे पोकेमॉन के लिए, हमारी पार्टी के लिए, ताकि क्योंकि गाइस यार इतने अच्छे खासे मूव है नहीं हमारे हमारे कह सकते हो कि पार्टी में। तो प्रोबेबली जो है वो यहाँ पर कल लेवल अप जो है यहाँ पे प्रोबेबली होगा नहीं, बट टू बी श्योर कि जो है वो यहाँ पर कह सकते हो कि अच्छी खासी मूव जो है यहाँ पर मैं लर्न कर दूंगा। आप लोग कह रहे थे कि कोई मूव यहाँ पर जीरिंग मत दो हर एक पोकेमॉन को, हर एक पोकेमॉन को जो है यहाँ पर कोई नहीं है ये भी दे दो, बट मैं जो हूँ ना गाइस यार कह सकते हो कि ओके सो यहाँ पे हम लोगों ने वीडियो को हरा दिया है। नहीं नहीं नहीं, एक ही पोकेमॉन बचा है उसका, तो पहले उसको हम लोग ना यहाँ पर हरा देते हैं एंड उसके बाद जो है वो यहाँ पर मैं अपनी कह सकते हो कि टॉकिंग जो है यहाँ पर फिर से चालू कर देता हूँ। अभी तो हम लोगों को बस बात ही करना है यार, कह सकते हो कि गाइस यार पिछले कुछ मतलब कि ऑलमोस्ट 1 वीक में ना जो है वो कह सकते हो कि लिली हापू एंड बाकी सारे जो लोग हैं ना वो हम लोगों का स्क्रीन टाइम ले रहे थे, हम लोगों को बात करने का जो है वो यहाँ पर मौका मिल ही नहीं रहा था, बट आज के एपिसोड में वैसा नहीं है।
आज के एपिसोड में हम लोगों को बस जो है वो यहाँ पे हमारी आगे की जर्नी को जो है वो कंटिन्यू करना है, एंड दैट्स वाई जो है वो अच्छा खासा जो है वो मैं स्क्रीन टाइम कह सकते हो कि गाइज यार ले सकता हूँ। इतनी ज़्यादा जो है वो यहाँ पे अभी हम लोगों को परेशानी आएगी नहीं कि स्क्रीन टाइम हमें मिलेगा क्या नहीं, इसका मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कल के एपिसोड में भी देखा आपने कितना ज़्यादा जो है वो रोमांचक एपिसोड था, काफ़ी ज़्यादा जो है वो मज़ा आया कल के एपिसोड में। ओके तो यहाँ पर अभी पीका को यहाँ पर अभी मैं लेकर आ जाता हूँ। साइकी के साथ जाने वाले हैं। अरे यार क्विक अटैक दे दिया इसने, शाणा बन गया लुटेरियो यहाँ पे। कोई बात नहीं, हमारे पास अभी भी जो है वो दो पोकेमोन बचे हैं, तो मैं यहाँ पर अभी एक्सपो जो हूँ वो लेकर आ जाता हूँ ये बैटल को डाउन एंड डस्टेड करने के लिए। ऑल राइट, तो लुकैरियो को जो है यहाँ पर अभी डाउन करने के लिए। ओके तो कोई बात नहीं, यहाँ पर अभी हम लोग सो दिस टाइम जो हूँ वो मैं कौन सा मूव के साथ चले जाऊँ। एक्स को जो है यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर अभी डाउन होने ही वाला है। ओके और स्पीयर ओके गाइस यहाँ पर एक्स ही जो है यहाँ पे शायद एक्स को शायद क्विक क्लॉ में दे दूँ, वरना जो है यहाँ पे हमारे सारे के सारे पोकेमोन जो है वो फर्स्ट हिट लेने में जो है वो माइल है सिवाय एक्स को छोड़ के। ऑल राइट सो यहाँ पर अभी ओ जी मूव का जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ तो मैं ये कह रहा था गाइस यार कि हम लोगों का जो है वो कल शायद अच्छी खासी जो है वो यहाँ पर मैं मूव सेट जो हूँ यहाँ पर मैं चेंज कर सकता हूँ। बाकी आप लोग जो है वो अभी लेआउट में हमारी टीम जो देख रहे हो ना, वही टीम सेम रहने वाली है, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई अब चेंजेस होंगे। तो इसी के साथ यहाँ पे हम लोगों ने हरा दिया है ग्लेडियन को। तुम्हारे पास अच्छे पोकेमोन है। आई नो कि किस टाइप के ट्रेनर हो तुम, अब तुम बन चुके हो एंड मुझे पता है कि तुम्हारी जर्नी में अब तुम कहाँ तक आ चुके हो। लिली चाहती थी कि मैं उसके लिए कुछ करूँ, और मैं कुछ बताऊँ, वो जो है अपनी मॉम को देखने के लिए चली जा चुकी है। वो चाहती है कि मैं तुम्हें बताऊँ कि तुम एक वकील दुनिया की सबसे बेस्ट ट्रेनर हो ध्रुव, उसने मुझे ये दिया था तुम्हें देने के लिए। ओके सो वी हैव ऑब्टेन द मैक्स एलिक्सियर, हम जो है यहाँ पे अच्छा खासा स्ट्रांग हो रहा है और तुम भी। अगर तुम ऐसे ही चले जाए आगे की तरफ, तुम दोनों जो है यहाँ पे स्ट्रांग हो सकते हो। आई गेस कि मुझे भी ऐसे चले जाना चाहिए। आई नो कि हम दोनों दोस्त नहीं है, बट वी आर नॉट एनिमीज नाउ, कीप विनिंग। मे बी यही तुम्हारे लिए मैं कह सकता हूँ। ऑल राइट तो मैं थोड़ा सा ब्लैंक हो गया था यार। मतलब कि गाइस यार ग्लेडियन की जो बातों ने ना यहाँ पे मतलब कि लिली ने हमें जो कहा था ना वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, थोड़ा सा मैं कह सकते हो कि ब्लश हो गया था। बट चलो कोई बात नहीं, यहाँ से जो है वो हम लोग हीलिंग करके जो है वो चले जाएंगे सीधा यहाँ से आगे की तरफ, यानी कि ओके तो यहाँ पर अभी हीलिंग डन एंड डस्टेड कर देता हूँ मैं। ओके तो जी हाँ गाइस यार हम लोग जो है वो ओके तो यहाँ से जो है वो हाँ मैं ये कह रहा था गाइस यार कि हम लोगों को जो है वो अपना आगे का सफर जो है तो यहाँ से कंटिन्यू करना है। हम लोग वो जो है वो गाइस यार आज के एपिसोड में पोकेमोन लीक तक जो है वो पहुँचने वाले हैं, एंड कल जो है वो यहाँ पे हम लोगों का पोकेमोन रीजन का सफर, पोकेमोन लीक का सफर जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि टोटल 4 एलिट 4 को जो है यहाँ पे हम लोगों को डिफीट करना है इन ऑर्डर टू डिफीट दी चैम्पियन इटसेल्फ। जी हाँ गाइस यहाँ से अभी ऊपर की तरफ से चले जाता हूँ मैं। माउंट लैंड किला के टॉप पर जो है वो ये लीग सिचुएटेड है। आई डोंट नो कि यहाँ पे कोई बैटल्स हम लोगों को साइड बाय साइड मिलने वाले हैं या नहीं, और कुछ होगा या नहीं, बट वी आर जस्ट गोना कीप गोइंग। हम लोगों ने हमारी अच्छी खासी जो है वो ट्रेनिंग भी करा दी है, तो मुझे लगता नहीं है कि अगर कोई बैटल भी ना आए तो मुझे यहाँ से आगे की तरफ जाने के लिए कोई ट्रेनिंग करने की सख्त ज़रूरत मुझे अभी नहीं लग रही है। ओके तो यहाँ से अभी बाहर की तरफ ऊपर की सीधा सीधा चले ले जाता हूँ मैं। वेट यहाँ पे अभी एक जिगार्डे का क्यूब मुझे मिल गया। तो आई डोंट नो कि यहाँ पे अभी हमारे पास जिगार्डे के सेल कितने जो है वो यहाँ पे ऑप्टेंड कह सकते हो कि हो चुके हैं,
बट लेट इट बी, जितने हो चुके हैं उतने अच्छे हैं। अगर शायद हो सके तो एक प्रॉपर एपिसोड भी जो है वो यहाँ पर वो सेल्स को कलेक्ट करने वाला भी आ सकता है, बिकॉज यू नो दैट गाइस यार पोकेमोन यूनिवर्स जो है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। पोकेमोन सन भी जो है ये यही मंथ में कंप्लीट होने वाला है। पोकेमोन डार्क राइजिंग भी जो है वो हम लोगों ने गाइस यार कह सकते हो कि स्टार्ट कर दिया है। सो देयर इज नो होल्डिंग बैक। अभी मुझे लगता नहीं है कि कोई और हम लोगों को जो है वो सीरीज अभी कह सकते हो कि कंटिन्यू रखनी है। जो अभी चल रही है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, एंड लेटर ऑन दैट वी विल जस्ट स्टिक टू कि हम लोगों को बाकी के जो है वो गेम्स कौन से लाने चाहिए। बट वो सब बात की जाते हैं पहले यहाँ पर। अभी पोकेमोन सन जो है वो यहाँ पर अगर रेगुलर बेसिस पर वीडियो पक्का अगर आ गई ना, तो दिस विल बी द लास्ट मंथ ऑफ द पोकेमोन सन। 4 महीने मुझे लग गए ये सीरीज को कंप्लीट करने के लिए, बट उसमें से जो है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट 1.5 महीना तो मैंने जो है यहाँ पर गैप ही लिया है। बाकी के मैंने जो है यहाँ पर मैंने बस अपलोड किए हैं वीडियो प्रॉपर, एंड मतलब कि 1.5 महीना गैप गैप प्लस, एंड मैं गैप में खुद का गैप नहीं बोल रहा हूँ, ये गैप जो है वो यहाँ पर प्लस मेरा जो कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक लगी थी उसको मैं मिला के कह रहा हूँ, वरना तो इतना ज़्यादा जो है वो यहाँ पे परेशानियाँ आती नहीं थी। ओके सो यहाँ पर अभी हम लोगों को ऊपर की तरफ चले जाना है, तो उस वजह से गाइस यार पोकेमोन सन को इतना ज़्यादा डिले हो गया। बट ये लास्ट मंथ है एंड मेरा ऑलरेडी जो है यहाँ पर इस समर में एक नया गेम लाने वाला था, ऑफिशियल गेम लाने वाला था, बट उसमें भी जो है वो थोड़ा सा डिले हो तो चुका है। बट कोई बात नहीं यार, यहाँ पर डिले हो गया तो इतना ज़्यादा मुझे गम नहीं है, बट क्योंकि बस थोड़ा सा दुख हो रहा है इसलिए ये, क्योंकि यहाँ पर मैंने अच्छा खासा शेड्यूल जो बनाया था वो जो है वो यहाँ पर इतना अच्छा खासा चला नहीं है। तो बस यार थोड़ा सा इसकी वजह से जो है वो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बुरा लगता है, बट क्या करेगा इस यार, समटाइम्स द लाइफ डज नॉट गो अकॉर्डिंग टू आर प्लान्स। तो उस वजह से जो है यहाँ पे हम लोगों को अडाप्टिंग और अपना नेचर रखना होगा। भले ही यहाँ पे मेरा डिले ज़रूर हो गया, बट मैं उसका जो है यहाँ पर दुख नहीं बनाता बेटा, जो अभी चल रहा है ना उस पर मैंने जो है अच्छा खासा काम किया है। ओ हाय हाउ, रुको रुको मेरे लिए क्या हुआ। सो हम लोग फाइनली जो है उस प्लेटअप हुए थे जब इतना पैराडाइज में, मैंने अपने सारे के सारे ट्रायल्स को जो है यहाँ पे कम्प्लीट किया था, एंड देन मैं थोड़ा सा घर गया था विद क्लीम, थोड़ा सा माँ थोड़ा सा शांत होने के लिए। तो मैंने जब पोकेमोन लीग के बारे में सोचा तो मुझे यहाँ पे तुम्हें हराना था। देन मैंने एक लेडी को सुना कि तुम यहाँ से आ रहे हो। सो मैंने यहाँ पे बुक फास्ट किया और यहाँ पे मैं आ गया। दैट वॉज लाइक द फास्टेस्ट कि मैं यहाँ पे अपनी लाइफ में हो चुका हूँ। बट दैट्स नॉट कि मैं तुम्हें ये कहने के लिए आया था ब्रो, हम लोग डिसाइड करने वाले हैं कि कौन यहाँ से फर्स्ट जाएगा पोकेमोन लीग में। तो मुझे यहाँ पे अपनी फुल फोर्स का इस्तेमाल करना होगा कि और मुझे हराने के लिए, अगर तुम और तुम्हारी टीम जाना चाहते हो जीतने के लिए। ऑल राइट सो हियर वी गो गाइस, थ्रू द गेम वर्सेस पोकेमोन ट्रेनर हाउ। तो उसने शुरुआत करी है यहाँ पे राइचू के साथ। ऑल राइट तो यहाँ पर अभी मैं अपने ग्रीनिंचा को जो हूँ यहाँ पर मैं लेकर आना चाहता हूँ। सो दिस टाइम जो है यहाँ पर हम लोग अभी जाने वाले हैं नाइट स्लैश के साथ। ऑल राइट सो नाइट स्लैश दे दिया है मैंने, डैट्स इट। तो 1 हिट में जो है यहाँ पर मैंने राइचू को जो है यहाँ पर सक्सेसफुली डिफीट कर लिया है, एंड एक ही हिट में यहाँ पर हमारा ग्रीनिंचा का जो है वो बैटल बॉन्ड जो है वो हमारा भी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ऑल दो यप दैट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर अस। ओके तो पायरो भी जा चुका है लेवल 56 पे, एंड रोल भी जा चुका है लेवल 56 पे। सो नेक्स्ट स्टेप इज द कोमाला। ओके कोमाला के खिलाफ यहाँ पर मैं, ओ ये कौन सा पोकेमोन है कोमाला, वेट लेट मी जस्ट चेक इट। यहाँ पर अभी साइड बाय साइड में एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये कौन से टाइप का पोकेमोन है। मैंने जस्ट अभी वो सिल्वर का भी चेक किया था ना, कोमाला पोकेमोन, कोमाला पोकेमोन एक नॉर्मल टाइप हो, ये भी एक नॉर्मल टाइप पोकेमोन है। आई थॉट कि ये एक कह सकते हो कि कौन सा टाइप, मुझे लगा कि आइस टाइप पोकेमोन होगा, बट ही इज़ दी नॉर्मल टाइप पोकेमोन। तो कोई बात नहीं गाइस यार, यहाँ पर अभी हम लोग जो है वो इसको भी हम लोग डिफीट कर दिया है। सो थर्ड बैटल के लिए यहाँ पर अभी ओ वेपोरियन था, सो आई जस्ट आई हैव टू चेंज आवर स्ट्रेटेजी। कोई बात नहीं गाइस यार, हम लोग जो है वो यहाँ पर अभी हमारे एक्स को जो है वो यहाँ पर अभी मैं लेकर आना चाहता हूँ। ये इस बैटल के लिए यहाँ पर मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर अभी हम लोग वेपोरियन का ही, वेपोरियन के खिलाफ जो है यहाँ पर हमारे पायरो का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर जो वो मैं ओके हाइड्रोपम्प, लीफ स्टोन दे दी है मैंने यहाँ पे, एंड दैट्स नॉट इट। आई थॉट कि दैट्स इट बट दैट्स नॉट इट। यहाँ पर अभी मैं जो हूँ एक्स्ट्रा सेंसरी के साथ जाने वाला हूँ। ऑलराइट सो हाइड्रोपन दे दिया है उसने, एंड ओके चलो एक अच्छी बात है कि इतना ज़्यादा डैमेज तो नहीं हुआ मुझे, बट एक्स्ट्रा सेंसरी दे दिया है मैंने, एंड दिस इज इट। तो नहीं कन्फ्यूजन दे दिया था मैंने, मुझे लगा कि एक्स्ट्रा सेंसरी दिया है मैंने,
इसके बाद ये हुआ एक्स्ट्रा सेंसरी नहीं है, कन्फ्यूजन है। एक अच्छी बात है कि यहाँ पे हमारे पास जो एक्स है तो थ्री टाइप एबिलिटी है, वाटर टाइप आई गेस कि वो भी ये मूव सीख सकता है। अगर मुझे सिखाना हो तो मैं सिखा सकता हूँ, बट लेट्स सी दैट आफ्टरवर्ड्स। यहाँ पर भी हम लोगों ने सक्सेसफुली जो है वो एक्स को जो है यहाँ पर वेपोरिया को भी डाउन कर दिया है। यही फायदा है कि यहाँ पे हम लोगों का जो एक डुअल टाइप एबिलिटी मिल चुकी है ना हमें, अगर हमारा पीका भी यहाँ पे डाउन हो जाता है तो हम लोगों को रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास एक्स है जिसके पास ग्रास टाइप एबिलिटी है। ऑल राइट, तो यहाँ पर अभी जो हूँ ओके, सो डीसीडीआई के खिलाफ यहाँ पर अभी हम लोग ये बैटल मजा आने वाला है। तो मैं जो हूँ यहाँ पर फ्लेम थ्रोर के साथ जाने वाला हूँ। आई गेस कि ये एक हिट जो है यहाँ पर इसको डाउन करने के लिए काफ़ी रहेगी। ओ काफ़ी नहीं थी वैसे, क्योंकि स्मैकडाउन उसने चूज़ किया है एंड अच्छा खासा हिट तो था, बट कोई बात नहीं। यहाँ पर अभी मैं जो हूँ वो एक और फ्लेम थ्रोर के साथ जाने वाला हूँ एंड द बैटल विल बी डन एंड Dusted. तो जी हाँ गाइस, इसी के साथ यहाँ पे हम लोगों ने ये बैटल जीत लिया है अगेंस्ट दी पोकेमॉन ट्रेनर हाउ। मैं जो यहाँ पे अपने पोकेमॉन को दिखाना चाहता था कि तुमसे हाँ जितना कितना अच्छा लगता है, बट आई मीन सीरियसली फ्रस्ट्रेटेड, मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बना देता है। सो तुम आगे तक जाओ और चैंपियन बनो, बिकॉज मैं जो हूँ यहाँ पे ट्रेनिंग करने वाला हूँ हार्ड, और मैं नेक्स्ट टाइम एक चैंपियन ध्रुव को हराऊंगा। ओके सो यहाँ पे हम लोगों को मिल चुके हैं री, कह सकते हैं रीवाइव, मैक्स रिवाइव्स। मुझे कुछ ये कि तुम जो पोकेमोन जो यहाँ पे अलवा में आया था वो तुम थे ध्रुव, सच्ची में। ओके बाय हाउ। ऑल राइट, तो फाइनली जो है गाइस यार हम लोग आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो बस यही दो बैटल है थे जो हम लोगों को करने थे। अभी कह सकते हो कि गाइस यार अभी हम लोगों को कोई बैटल नहीं करना है। वेट वेट वेट, मुझे ऊपर प्रोफेसर कुकुई नज़र आ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ना यहाँ पे अभी चुपचाप से जो हूँ वो हीलिंग करके आने जाता हूँ, क्योंकि अगर एक बार अंदर गया ना तो शायद तो मुझे लगता नहीं है कि कोई फिर से बाहर आने का रास्ता होगा। तो चुपचाप से ना पहले हीलिंग कर लेते हैं। ऑल राइट, तो चलते हैं गाइस यार यहाँ पर अभी हम लोग हीलिंग करने के लिए। ओके यस यार, हम लोगों ने टोटल चार पोकेमॉन जो थे वो हमारे नॉर्मल पोकेबॉल से पकड़े थे एंड बाकी के जो दो पोकेबॉल्स थे वो हम लोगों ने पकड़े थे ग्रेट बॉल से। तो कोई भी डिफिकल्ट पोकेमॉन हम लोगों ने पकड़ा नहीं है। ऐसे नहीं कि मैं अपनी टीम को जो है सबसे स्ट्रॉन्ग बनाता हूँ, सबसे डेंजरस टीम रहती है, एक नॉर्मल टीम देख लो सकते हो आप लोग। फाइनल जो हमारा स्टार्टर था ग्रीन जैग, अच्छा यहाँ पर कह सकते हो कि वो भी एक स्टार्टर था। देन पिकाचू जो हम लोगों ने रायचू था वो भी एक अच्छा कह सकते हो कि नॉर्मल नहीं है, एक तरह का डेंजरस नहीं है। रोर यानी कि हम लोगों का कह सकते हो वो भी इतना डेंजरस नहीं है, एक जगह भी नॉर्मल कैटेगरी में ही आता है। सारे के सारे जो पोकेमॉन जो हमारे नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं हम लोग नॉर्मल कैटेगरी के पोकेमॉन चूज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग टॉप नॉच क्वालिटी के पोकेमॉन्स को यहाँ पर मैं पकड़ता हूँ, जो मुझे अल्ट्रा बॉल्स वगैरह से यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ उनको ही कैच करना होगा। ओ हाय प्रोफेसर कोई, वो तुम काफ़ी दूर आ चुके हो, तुमने सक्सेसफुली यहाँ पे मैनेज कर लिया है अपने ट्रायल्स को कंप्लीट करने के लिए और ग्रैंड ट्रायल्स को कंप्लीट करने के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक्स। मैं जो हूँ यहाँ पर और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता जब तुमने अपना पार्टनर को चूज किया था। जस्ट वन थिंग तुम्हें अभी करनी है, टू टेक ऑन द पोकेमॉन लीग। या दिस इज वेयर कि तुम्हारा रियल फन यहाँ पे शुरू होगा। माउंट लर्न किला जो है यहाँ पे है, वी हैव ऑलवेज फिनिश, यहाँ पे हम लोगों ने आइसलैंड चैलेंज को फिनिश किया है। हम लोगों ने यहाँ पर पोकेमॉन लीग इसीलिए शुरू करी कि ये जो है वो और भी ऊंचाइयों पर लेके जा सके और हमारे रिस्पेक्ट दिखा सके टूवर्ड्स द लेजेंडरी पोकेमॉन। आई स्टिल रिमेम्बर कि ये कल का दिन था, मैं इंडिगो प्लेटो गया था पोकेमॉन लीग हेडक्वार्टर की तरफ, जहाँ पे यप आई वेंट एट राइट एट टेंपल्स एंड वो जी मित्र जो थे कैंटो के, उन्होंने मेरी टीम को काफ़ी तरीके से मिसअप किया था। बट देन मैंने अपनी टीम बैटलिंग की तरफ ध्यान दिया, ऑल पोअरिंग देयर्स जो मेरे मूव्स के ऊपर इस्तेमाल कर सके थे। एंड देन एक लास्ट गाय आया, एक ड्रैगन यूजर उस कैप में। ओह सॉरी, अब टाइम हो चुका है, तुम्हें अंदर की तरफ जाना होगा। बट बिफोर तुम अंदर की तरफ चले जाओ, मेक श्योर कि तुम रेडी हो, बिकॉज तुम बाहर नहीं आ सकते।
यस गाइज यार, एक बार अंदर हम लोग चले गए तो बाहर नहीं आ सकते। इस वजह से जो है गाइज यार, ये वाले एपिसोड को जो हूँ वो मैं यहीं पर ही समाप्त कर देना चाहता हूँ। आई जस्ट होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ गाइज यार लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मुझे और फॉलो कीजिएगा। मेरी सोशल मीडिया के लिंक्स आर ऑल इन डिस्क्रिप्शन। सो या आई विल जस्ट सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द पोकेमॉन सन वर्जन, वेयर द रियल फन हैज बीन स्टार्टेड। तब तक के लिए गाइज यार गुड बाय।